आपके इक्वेशंस हैं काफी वर्ल्ड लीडर्स के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी. हाउ मच हैज दिस कंट्रीब्यूटेड, आपके इक्वेशंस तालुकात, टू आइसोलेट पाकिस्तान इंटरनेशनली? अगर ये आप सोचोगे कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान आधारित है तो भारत के साथ घोर अन्याय है. भारत की विदेश नीति भारत के संदर्भ में होती है, भारत की विदेश नीति विश्व के संदर्भ में होती है, इश्यूज के संदर्भ में होती है. और इसलिए हम किसी एक देश के ही आसपास विदेश नीति नहीं करते हैं और न करनी चाहिए. और इसलिए अगर आपकी ये सोच है कि हम किसी को आइसोलेट करने के लिए ये दुनिया में मेहनत करते हैं, गलत है, ये हमारा काम नहीं है. हाँ, दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है और आतंकवाद के जनक जो जो होंगे उनके खिलाफ दुनिया लामबंद हो रही है. राष्ट्रपति ट्रंप बड़ी मुखरता के साथ आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ. और आतंकवाद के खिलाफ जो भी लड़ने के लिए आएगा उन सबका मैं स्वागत और सम्मान करूँगा, क्योंकि मेरा देश 40 साल से आतंकवाद को भुगत रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं. दुनिया में से आतंकवाद खत्म होना चाहिए. जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं समझता हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि भारत और पाकिस्तान बहुत लड़ लिया, आओ मिलकर के गरीबी से लड़े, आओ मिलकर के बीमारी से लड़े. और मैं सीधा पाकिस्तान की आवाम से ही बात करता हूँ, मैं आवाम से कहता हूँ कि बताइए गरीबी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है, अशिक्षा से लड़ना है कि नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है. हम मिलकर के लड़ेंगे तो जल्दी से जीतेंगे, ये मैं वहाँ की आवाम से कहता हूँ. पर मोदी जी, एक मोदी डॉक्ट्रिन निकल के आया है और मोदी डॉक्ट्रिन को अभी नेतन्याहू जी यहाँ थे, आपकी बहुत अच्छी उनकी यात्रा रही दिल्ली में और उन्होंने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू में कहा और एंडोर्स किया कि आपका जो टेररिज्म के तरफ एटीट्यूड है वो एक हार्ड पावर का एटीट्यूड है और उन्होंने एंडोर्स किया कि ये ही मोदी डॉक्ट्रिन जो है हार्ड पावर पे होना चाहिए, सॉफ्ट पावर से टेररिज्म एटलीस्ट टैकल नहीं हो सकता है. तो आप समझते हैं कि ये डॉक्ट्रिन जो है इस पर आप मजबूती से बने रहेंगे? मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने भारत की भी जमकर के तारीफ की है, भारत सरकार की जमकर के तारीफ की है, व्यक्तिगत मेरे लिए भी अच्छे शब्द बोले हैं, मैं इसलिए उनका बहुत आभारी हूँ. आतंकवाद ये सो कॉल टर्मिनोलॉजी में जैसे शब्द आपने प्रयोग किए कि हार्ड पावर, डिकना पावर वगैरह, एक्चुअली ये मानवता का मुद्दा है. मानवता पर बड़ा संकट है. मानवता की रक्षा के लिए मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत जरूरी है और मैं इसे मानवता को बचाने की लड़ाई मानता हूँ और इससे बड़ा सॉफ्ट पावर कोई नहीं हो सकता है. मानवता की चिंता करना, यही तो सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है. और इसलिए मेरी कोशिश मानवतावादी शक्तियों को जोड़ना, मानवतावादी विचारों को बल देना उस पर है, तब जाकर के आप आतंकवाद को आइसोलेट करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ पाओगे. तभी लोग परहैप्स कह रहे हैं, आपने भी एक अब इंटरलोक्यूटर भी असाइन किया है जम्मू कश्मीर के लिए, तो इसी दायरे में अगर आप उसको एड्रेस करना चाहें आतंकवाद को मानवता के दायरे में, तो आप डायलॉग शुरू करना चाहिए, नॉट जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर विद पाकिस्तान बट ऑल्सो इंटरनली. भारत के किसी भी नागरिक के साथ डायलॉग होता ही है, होता ही रहेगा और होता ही रहेगा. भारत के संविधान ने हमको एक काम दिया हुआ है, इसके लिए कोई नया प्रयोग नहीं होता है, वो तो चलता ही है. और मैंने तो लाल किले पर से कहा हुआ है सारी बातें, उसमें कोई दुविधा नहीं है. भारत के नागरिक का तो मोदी को, अरे मोदी जी खड़े रहो मुझे बात करनी, उसको हक है जी. हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले, हिंदुस्तान के लिए जीने मरने वाले के लिए तो हम है. ये आपने बहुत दुरुस्त कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले, पर कई ऐसे वहाँ हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को ही नहीं मानते. तो वो तो बात करने के लिए जाएंगे क्यों? और वो कर भी नहीं रहे हैं.
वो कर भी नहीं रहे। मोदी जी 18 महीने रह गए इलेक्शंस के लिए, अब जो अगले 18 महीने का जो सफर है, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं? एक, मैं कभी भी चुनावी टाइम टेबल से अपना टाइम टेबल नहीं बनाता हूं। मेरा टाइम टेबल रहता है देश की जनता की सेवा करने के लिए जो टास्क है वो टास्क को समय सीमा में बांधूं। जैसे मैंने अभी एक सौभाग्य योजना ली है। अब आप देखिए, आजाद कुल हिंदुस्तान में कुल 25 करोड़ परिवार है, राउंड अबाउट 25 करोड़ परिवार है। 25 करोड़ परिवार में 4 करोड़ परिवार अभी भी अंधेरे की जिंदगी में जीते हैं, उनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं है। आजादी के 70 साल के बाद मेरा मन करता है कि मुझे इन 4 करोड़ परिवार जो अंधेरे में जीते हैं उनके घर में रोशनी पहुंचानी है। मैंने टाइम सीमा तय की है कि मैं इन 4 करोड़ परिवारों में समय सीमा में बिजली का कनेक्शन दूंगा, मुफ्त में दूंगा। उनके घर में रोशनी आएगी तो बच्चा पढ़ेगा, उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ये सब गरीब लोग हैं, और ये संप्रदाय वो संप्रदाय नहीं है, हर समाज के अंदर गरीब तबका है। मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। अब मैं तय करता हूँ भाई, मुझे इस तारीख के पहले काम पूरा करके दो। जब मैंने लाल किले से बोला कि मुझे एक साल के भीतर में स्कूल कॉलेज में टॉयलेट पूरे करने हैं, कर दिए मैंने। हमारे देश में योजनाओं की घोषणा करने वाली सरकारें तो बहुत आके गई। कोई ऐसा विषय नहीं है मानव जात का कि जिस पर पुरानी सरकारों ने यूं उंगली न अड़ाई हो। छू करके भाग जाना, छू करके भाग जाना, खाता में डाल देना कि हाँ हमने ये योजना चालू कर दी, लेकिन फिर उसको पूछना ही नहीं। मेरा वो काम नहीं है जी, मैं योजना वही हाथ में लेता हूँ जिसको मैं पूरा करने के लिए प्रयास करूँ, पूरा तरह पड़ा, और पूछता रहता हूँ भाई बताओ कहाँ पहुँचा, कितना हुआ। इससे जितना देश की सेवा कर पाता हूँ करता हूँ जी। बाकी हवाबाजी करनी है तो सब लोग करके ही गए हैं। कोई ऐसी योजनाएं हैं मोदी जी जो आप सोचते हैं कि अभी तक फ्रक्टिफाई नहीं हुई हैं, जिस पे आपको थोड़ा और अटेंशन पे करना पड़े, कुछ ऐसी हैं योजनाएं? अब जैसे मैंने प्रधान ने सांसद आदर्श ग्राम योजना रखी, और मैंने हमारे सांसदों से प्रार्थना की कि सरकार के इतने पैसे जाते हैं अलग अलग योजनाओं से जाते हैं, आप एक गांव में खुद अपनी निगरानी के नीचे उसको लागू करके देखो। पैसे हैं अलग अलग योजनाओं से, लेकिन एक गांव में लगा करके देखो और वहाँ कोई बदलाव नज़र आता है क्या? तो इससे दो चीज़ें होगी, एक तो या तो नीतियाँ गलत होगी तो उसको करेक्शन होगा, आप पार्लियामेंट में आकर बोलोगे कि ये नीति तो होना ही नहीं है, बजट कम होगा तो उसी चर्चा होगी, लेकिन कोई प्रयोग तो करो, एक मॉडल तो बनाओ। अब ये किया तो हमारे एक नेता ने बड़ा उसी के खिलाफ बयानबाजी कर दी, अब वो तो GST के लिए कुछ बोलते हैं तो उसके लिए भी बोल दिया। अब तब लगता है कि कुछ करूँगा, अब मैं समझाऊँगा MPs को कि भाई देखिए एक एक गांव करो ना, एक गांव करके देखो तो मॉडल पता चलेगा भाई, तो इसके कारण आप पार्लियामेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे कि भाई ये ठीक है, सरकार की योजना में कमी है, इसको बदल करो। और दूसरा, आपको ध्यान में आ गया इतने रिसोर्स हैं, अगर सही ढंग से उपयोग किया है तो कहाँ से कहाँ पहुँचा जा सकता है, दोनों चीज़ें हो सकते हैं, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। मोदी जी सवाल कई हैं, चाहे तो हम पूरी रात यहाँ बैठे रह सकते हैं, लेकिन आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपने इतना समय हमारे दर्शकों को दिया, आपने कई चीज़ों पे बहुत विस्तार से बातें की। चाहेंगे कि ऐसा समय आप हमें थोड़ी थोड़ी देर में देते रहें ताकि हम दर्शकों की बात आप तक लाते हैं और आपकी बात उन तक। मैं टाइम्स नाउ का बहुत आभारी हूं और मैं मानता हूं इस देश को मुझसे पूछने का भी हक है और जवाब देना मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन कार्य की व्यस्तता इतनी रहती है और आपने देखा होगा मैं लगातार काम करने वाला इंसान हूँ। मैं आशा करूँगा कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद कोई टोली आपके बाल नोच न ले, यही मैं प्रार्थना करूंगा। मेरा तो जो होगा तो हम तो आदि हैं, लेकिन कहीं आपके बाल नोच न ले लोग। लेकिन मैं आपका आभारी हूँ, आपने
उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, काफी काफी विषयों पर मेरी मुझसे